हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं मार्केट में वीर बाजार शॉपिंग करने। देखना टोपा, देखना 3 साल के बच्चे का टोपा है इसमें। नहीं नहीं है, नहीं है जी, नहीं है, टोपा नहीं है इसमें। और अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या खरीदारी करते हैं हम इस मार्केट में। अब इस ब्लॉग पे बने रहे एंड तक। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें लेते हैं हम पूरी वीडियो में शेयर करेंगे क्या क्या चीजें ली है हमने, ठीक है? बने रहे ब्लॉग पे। ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मसाले वाली दुकान पे। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें लेता हूँ। अंकल काली मिर्च कैसे दे रहे हो? अंकल काली मिर्च 100 ग्राम 80 रुपए की 100 ग्राम। और जीरा है ना, जीरा कैसे दे रहे हो? 100 ग्राम 30 रुपए का जीरा दे रहे हैं जी। दोनों चीजें कर दो अंकल, 100 ग्राम 100 ग्राम कर दो। ये इनकी कुछ मसाले की दुकान है, हम वीर बाजार में आए पड़े हैं इस टाइम पे। मसाले देख लो, और ये हम चने खाते हुए फ्री के। बड़ा हरामी हो। बात बताओ आप। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हमें पैकेट वाला मसाला खाना चाहिए या ये जब जो सारी आपके पास मसाले हैं वाले, ये खाना चाहिए हमें? नहीं, पैकेट वाला सही रहता है, ये सही रहता है। पैकेट वाले से अच्छे होते हैं और ज्यादातर लोग यही खाते हैं, है ना? तो दोस्तों पैकेट वाला मसाला आप अवॉइड करो। कौन से बाजार लगता है आपके यहाँ नियर बाई? सोम बाजार, मंगल बाजार। तो ये मसाले आप खाओ, ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और वैसे भी अच्छे होते हैं। रेट के ऊपर भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का आपको मसाले मिलेंगे। आपको दिखाता हूँ। और ये अंकल की शक्ल देख लो, गिराज दिल्ली के पास ये मार्केट लगता है वीर बाजार, वहाँ पर बैठते हैं अंकल। उनके पास सारे मसाले, टोटली आपको सारे मसाले मिलेंगे। वीर बाजार में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको। बच्चों से लेके बड़े तक का सब कुछ मिलेगा आपको। आपको एक बार मार्केट दिखाता हूँ। अभी हम ले रहे हैं अपने बेटे के लिए स्वेटर ले रहे हैं यहाँ से। आपको दिखाते हैं क्या क्या लिया है। कितने का दे रहे हो भैया? 100 रुपए छाटो तुम आज बेटे के लिए, 3 साल का। देखता हूँ कितना एक्सपीरियंस है। पंकज भाई यही आएगा? हाँ, लेकिन कलर कुछ और देखो, कलर ये वाला पड़ा है उसके पास। बेकार कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े हैं, आप भी यहाँ कर सकते हो। तो आप देख लो कपड़े की क्वालिटी, ठीक है? दोस्तों हमने शॉपिंग कर ली है, और ये रहा चिमटी, ये रहा मेरे बेटे के 2 पैजामे हमने ले लिए है। अभी देखते हैं कहीं उसके लिए टोपा मिल जाए। टोपा टोपी 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 मिल जाए तो टोपी लेते हैं उसके लिए। क्या बच्चे का टोपा कितने का दे रहे हो? टोपा 50 रुपए का। देखना टोपा, देखना 3 साल के बच्चे का टोपा है इसमें। नहीं है, नहीं नहीं है जी, नहीं है, टोपा नहीं है इसमें। यहाँ देखो भाई, बर्तन भी मिलेगा आपको। बर्तन जूम करके दिखाता हूँ, बर्तन भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ मसाले भी मिलेंगे आपको, यहाँ पुट्टी मिलेगी, कान के टोपे पोपे सब मिलेंगे यहाँ पे। जो मर्जी आके खरीद सकते हो आप।
ये दिल्ली की मार्केट है दोस्तों, कुछ भी खरीद लो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है मेरे भाई सब कुछ। भैया लेसन कैसे दे रहे? लेसन लेसन है ये आधा किलो कर दे, ये वाले करिए लूज वाले आधा किलो कर दे। आधा किलो लहसुन लिया दोस्तों हमने अभी, और एक रही कुछ सब्जी की दुकान आप देख सकते हो इधर, आलू और प्याज का है सिस्टम सारा का सारा। अभी हम प्याज भी लेंगे, प्याज का भी बताते हैं आपको। हाँ आधा किलो कर दो, 50 रुपए की ढाई किलो प्याज भैया, 50 रुपए की ढाई किलो है ना, 50 रुपए की ढाई किलो प्याज दे रहे हैं भैया। हम इन्हें पेमेंट करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, बहुत सारा चीज ले लिया है देखो, और यहाँ पर मार्केट में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ते रेट पे मिलता है आपको, तो आप टाइम निकाल के जरूर आओ ऐसे बाजारों में, जैसे बीर बाजार मंगल बाजार होता है, तो ऐसे बाजारों में आओ आप शॉपिंग करने, आपको बहुत ही रीजनेबल रेट मिलेगा। हमने प्याज पता है कितने रुपए किलो लिया है, 50 रुपए का ढाई किलो लिया है। आप ऐसे ही लोकल मार्केट में चले जाओगे ना, आपको 40 रुपए में एक किलो प्याज मिलेगा। हमारे मतलब आपको 40 रुपए या 30 रुपए की, 30 रुपए में एक किलो, तो हमने 50 रुपए का ढाई किलो लिया है दोस्तों, क्या गलत लिया है। आई होप कि आज का ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी के लिए इतने ही, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।